रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बहन भाई और आफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ और इसमें हमने आज एवोकाडो की चटनी बनानी है। ये देखिए, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें, ये एवोकाडो हमने ले लिया है। 5 अदद एवोकाडो थे, 2 अदद टमाटर ले लिए और 1 बड़ा प्याज ले लिया और ये सब्ज मिर्चे भी ले लिए हैं और इनको हर बीक भी काट कर रख लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बाउल में डालेंगे एवोकाडो, इसको काट के तो मिक्स कर लिया हुआ है छोटा छोटा। ठीक है, तो ये कांटे से भी जो फोर्क है उसके साथ भी ज़रा करें तो बड़ा अच्छा ये मिक्स हो जा मैश हो जाता है। ठीक है, तो ये बाकी ये भी डाल दें। हाँ जी, ये प्याज मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा, तो ये टमाटर डालेंगे इसमें। ठीक है, इनको बारीक बारीक काटना ये टमाटर को। इसकी चटनी बड़ी मज़ेदार होती है, पता नहीं आप पहले बनाते हैं या नहीं, तो ये बना के खा के देखना, बहुत ही मज़ेदार चटनी होती है। अभी मैंने थोड़ी सी मिर्चें रख ली हैं क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए। ठीक, अगर कम हुई तो फिर हम और डाल लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ये देखिए, अब मम्मी जी डाल रही हैं नमक। नमक डाल रही हूँ। ठीक है, तो नमक भी हम पहले डालेंगे, फिर अगर कम हुआ तो और डालेंगे। ये और ये लाल मिर्च कुटी पाउडर थोड़ा सा डाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं हम लोग मिर्च ज़्यादा नहीं खाते, तो ये अपनी अपनी चॉइस है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर नॉर्मल भी हो सकती है। जब मैं छोटी थी ना, तो गाँव में थी, तो वो कुंडी बड़ी सी होती थी, उसमें फिर हमने उसमें भी चटनी बना के ना तो खाते थे। जब हमारा बाग था उसमें छोटे छोटे आम होते थे ना, तो उसकी भी चटनी बना लेनी, कभी हरे धनिया हरी चटनी हरी मिर्चों की चटनी बना लेनी, इस तरह करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता था। ये प्याज डालें? नहीं, अभी नहीं मैंने डालना, देखती हूँ बड़ा है तो ये अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। ठीक है, ये फिर जब आप खाना खाएं, पुलाव खाएं, चावल खाएं, कोई भी खाएं, सालन खाएं, तो उससे साथ खाएं या वैसे ब्रेड भी लगा के आप खाएं तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। सुबह नाश्ते में ये बड़ी अच्छी लगती है। हम जब ब्रेड भी लगा उसको गर्म करके तो ऊपर चटनी लगा के चाय के साथ खाएं तो बड़ा मज़ा आता है। हाँ जी, तो जैसे भी आप दिल किया खाएँ, लेकिन ये हेल्दी भी है और खाने में भी अच्छी है। ये बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार चटनी है, तो हम तो अक्सर इसको बना के ना तो इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने कुछ गुजर किया तो फिर बनाई है, तो मैंने कहा मैंने अपने बहन भाइयों को भी दिखाऊं ताकि वो भी बना के खाएं और मुझे बताएं और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है। शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में, मज़े की भी लग रही है। ठीक है, ये देखें, ये इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे एवोकाडो को ना, वो फोर्क के साथ उसका कर लें, मैश कर लें। फ्रेश एवोकाडो लाए ना तो सख्त होते हैं, फिर हम थोड़ी देर कुछ दिन 3-4 दिन रख लें तो बाद में फिर ठीक है, बाहर रख लेते हैं, फ्रिज में नहीं रखते। ये ले, तो हाँ जी डाल दें तो फिर नरम हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर वो बड़े आराम से। ये देखिए, अब अम्मी चेक करके आपको बताएंगे अम्मी जी की कैसी बनी है, नमक कम है या ठीक है। मुझे तो ठीक लगती है। ठीक है, तो ये ठीक है, हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। और इसको मैं एक डिश आउट भी करना है, लेकिन देखें तो ये मुझे फ्रेंड्स ने ज़रूर बताना कैसी चटनी है। जो हम लोग हैं ना वो चटनी को भी पसंद करते हैं, कभी हम हरी धनिया की हरी मिर्चों की बना लेते हैं, कभी एवोकाडो की बना ली, कभी टमाटर की बना ली, खाने के साथ अच्छी लगती है। धनिया के भी सारे बड़े अच्छे पसंद करते हैं, धनिया के और हरी मिर्च की जो बनाते हैं वो भी हम दिखाएंगे। वो हमने पहले भी वीडियो में दिखाई है, आप उसको भी देखना। तो आज हमने एवोकाडो के दिखा दिए, तो आज का व्लॉग हम खत्म करते हैं। आज का व्लॉग हम अब ख़त्म करते हैं, अब हम अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे कुछ नया लेके। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, जहाँ भी रहो खुश रहो।